गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर और मैं आज आप लोग को चेन्नई के बारे में बताने जा रहा हूँ। चेन्नई में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या उद्योग है, क्या क्या धंधे है, क्या खाते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, कौन कौन सा बिल्डिंग है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। देखिए, लिखा हुआ चेन्नई, चेन्नई द गेटवे ऑफ द साउथ। जो चेन्नई है साउथ का प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार। चेन्नई जो है उस साउथ का प्रवेश द्वार है, दक्षिणी का प्रवेश द्वार है। चेन्नई इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। जो चेन्नई है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जगह है, ठीक है। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज मद्रास। इसको चेन्नई हम लोग क्या कहते हैं, मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। इट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, या तमिलनाडु का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तमिलनाडु तो आप लोग जान रहे हैं, जो स्टेट है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई हैज इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन साउथ इंडिया, मतलब भारत का दक्षिणी भाग में जो समुद्री तट है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आपको जो पढ़ना है, लोकेशन, क्लाइमेट, कल्चर, फूड एंड फेस्टिवल, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस, इस सबके मैं जानकारी बारी बारी से कर करके मैं वन बाय वन करके मैं दूंगा। डियर स्टूडेंट, देखो मैंने जो अभी बताया उसके पॉइंट में लिखा हूँ लोकेशन, उसकी नज़दीकी या फिर उसके अगल बगल क्या क्या है, कैसे हम जानेंगे। चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो चेन्नई स्थित है वो कहाँ स्थित है, इंडिया के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में। कौन सा पूर्व में, दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में, कोस्ट ऑफ इंडिया, कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। और उस मंडल, उस जगह को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। उसके बाद इट फैल्स द बे ऑफ बंगाल, जो दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित है, जिसके कारण से वहाँ की जो वाटर है वो कहाँ जाके गिरती है, पानी जाके वेस्ट ऑफ बंगाल में, ठीक है। कोई पूछेगा कि चेन्नई कहाँ स्थित है, तो भारत के दक्षिण पूर्व जगह पर, उस जगह को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आई क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण के बारे में देखिए। चेन्नई हैज ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मीन्स चेन्नई जो है, चेन्नई के पास अभी चेन्नई क्षेत्र में हमेशा गर्मी और नमी बनी रहती है सालों भर, ठीक है। क्यों बनी रहती है, सो देखिए, द सिटी गेट्स प्लीजेंट सी ब्रिज। और वहाँ के जो लोग, वहाँ शहर में जो लोग रहते हैं, वहाँ सुहानी हवा और समुद्री, सुहानी हवा और समुद्री जो हवा चलती है, वो जिसके कारण समुद्र के किनारे बसा हुआ, तो समुद्र की लहरें जो चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसीलिए कल्चर की सभ्यता के बारे में देखिए। द फेमस क्लासिकल डांस फ्रॉम भरतनाट्यम, वहाँ का जो फेमस क्लासिकल डांस है वो क्या है, भरतनाट्यम है, ठीक है, क्लासिकल डांस। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द कार्नेटिक म्यूजिक, और यहाँ कार्नेटिक म्यूजिक भी गाने के लिए फेमस है। एंड द स्टोन कार्विंग्स एट इट्स मेनी टेम्पल्स, और वहाँ जो पत्थर को काट काट के तरह तरह के मूर्ति भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वहाँ जब कल्चर के बारे में पूछेगा कि चेन्नई के डिफाइन कल्चर ऑफ चेन्नई, तो चेन्नई का जो कल्चर के बारे में लिखिएगा, तो द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम, मतलब भरतनाट्यम जो है चेन्नई का प्रमुख नृत्य है, और वहाँ के लोग कार्नेटिक म्यूजिक भी गाते हैं। और सबसे खुशी, मतलब अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वहाँ से पत्थर से लोग क्या बनाते हैं, मूर्ति को बनाते हैं, मूर्ति काट के बनाते हैं, चाहे कोई भी भगवान के हो या फिर किसी व्यक्ति का बनाना, तो मूर्ति काट के ही बनाते हैं, ठीक है, पत्थर काट के ही बनाते हैं। फूड एंड फेस्टिवल, वहाँ के लोग क्या खाते हैं और क्या त्यौहार। पोंगल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ चेन्नई। पोंगल जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, क्या चीज़ का, सो देखिए पोंगल क्यों मनाया जाता है। कोई भी खेती जब हम लोग करते हैं, नई खेती, तो उसको फसल काटने की खुशी में हम लोग पोंगल मनाते हैं। जब फसल काटते हैं तो उसकी खुशी में पोंगल मनाया जाता है, इसलिए वहाँ का जो त्यौहार है बहुत ही फेमस है। देखिए उसके बाद इट इज, या कब मनाते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी इन लास्ट 4 डे, मतलब जनवरी महीना मनाते हैं। और जब जनवरी लास्ट करता है, कितना दिन बाकी रहता है जनवरी, 4 दिन जब बाकी रहता है, 4 डे, तब हम लोग क्या करते हैं, उस त्यौहार को मनाते हैं, ठीक। और वहाँ का जो मुख्य भोजन क्या है, राइस इज द मेन फूड ऑफ चेन्नई। जो वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो राइस है, वहाँ के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। इट इज इटेन विथ, और खाते हैं किससे, दही से, सांभर से, रासम से, ठीक है। और उसके अलावा भी वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं, इडली, डोसा, स्नैक्स, ये सब वहाँ का फेमस है, ठीक है। अब मैं 4 पॉइंट बताया हूँ,
अब मैं जो बचा बाकी उसको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, इंडस्ट्रीज के उद्योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस पीछे मैं बताया आपको। और देखिए, चेन्नई द इंडस्ट्री लाइक ऑयल रिफाइनरी एंड फैक्ट्री दैट मेक्स कार ट्रक्स एंड रेल कोच द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ चेन्नई कॉल्ड टॉलीवुड। देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। चेन्नई जो है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में तेल को रिफाइन करता है। क्या करता है? तेल को रिफाइन करता है, कच्चा तेल को निकाल के फिर उसको रिफाइन करता है। उसके बाद फैक्ट्री भी है, वहाँ बहुत सारा फैक्ट्रियाँ हैं। और उस फैक्ट्रिया में क्या क्या बनता है? देखिए, कार बनता है, ट्रक्स बनता है, रेल कोचेज मतलब रेल का डिब्बा बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेन्नई में फिल्म जो बनता है वहाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द फिल्म इंडस्ट्री चेन्नई इज कॉल्ड टॉलीवुड। क्या कहते हैं इसको? टॉलीवुड, ठीक है, टॉलीवुड कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में आ जाइए, लोकल ट्रेन्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई। ठीक है, जो लोकल ट्रेन्स है मतलब छोटा छोटा, यहाँ से 5 किलोमीटर चलने वाले वहाँ चेन्नई में स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर 10 स्टेशन चलने वाली ट्रेन को लोकल ट्रेन्स कहते हैं। मतलब कम दूरी तय करने वाली को लोकल ट्रेन्स कहते हैं। पीपल ट्रेवल इन बसेस, अधिक लोग जो उसमें किसमें ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, बस के द्वारा, कार के द्वारा, टैक्सी के द्वारा और रिक्शा के द्वारा, इस सबसे उन लोग वहाँ से यात्रा करते हैं। ठीक है, और वहाँ लोकल ट्रेन मुख्य रूप से ज़्यादा चलते हैं। ठीक, अन्ना इज द इंटरनेशनल टर्मिनल एंड कामराज डोमेस्टिक टर्मिनल एयरपोर्ट। अन्ना जो है, अन्ना वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अन्ना है। ठीक है, देश विदेश की वहाँ सब आती है। क्या आती है? एयरपोर्ट है वहाँ, तो देश विदेश की उड़ानें आती है। ठीक है, द कामराज, ठीक है, जो मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जो जाती है उड़ान, उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक उड़ान, कामराज नाम है। देखो बच्चों, फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस, वहाँ का जो फेमस भवन है और जगह है। दे आर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन चेन्नई। चेन्नई में क्या है, बहुत सारे सुंदर जगह हैं। ठीक है, वन ऑफ द मरीना बीच, और उनमें से एक क्या है? मरीना बीच, बीजीपी गोल्डन बीच एंड सत थॉमस कैथेड्रल, ये सब क्या है? वहाँ का फेमस जगह है, फेमस स्थान है। ठीक है, फेमस भवन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? शुद्ध की द कपिलेश्वर एंड कपिलेश्वर एंड पार्थ सारथी टेम्पल्स आर वेल नोन फॉर दियर स्टोन कैरिंग। मतलब ये जो मंदिर बनाया गया है वो स्टोन कैरिंग मीन्स पत्थर को काट कर ही उसको, उस मूर्ति को बनाया गया, उस मंदिर में वहाँ बनाया गया। ठीक है बच्चों, आज का तो इतना ही। अब इसके बाद मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं आज का जो होमवर्क दिया हूँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिस्ट 4 डिशेस ईटन बाई द पीपल ऑफ चेन्नई। चेन्नई में जो 4 पकवान जो खाए जाते हैं उसके बारे में लिखना, क्या क्या खाए थे। नेम 2 फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस, 2 फेमस प्रसिद्ध भवन और जगह का नाम लिखना। थर्ड नंबर, वेयर इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। आज का इतना ही।